हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को अपना क्लासेस में स्वागत है। आज जो है, मतलब आप कह सकते हो खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान और भंडार, इसको हम क्यों पढ़ते हैं? ये पूरा का पूरा अप टू डेट डाटा 2022 का। और अगर किसी भी एग्जाम में, जैसे कि आप आई थिंक बिहार पुलिस दे रहे हैं या फिर SSC DB, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पुराना डाटा वाला याद कर लेते हैं और पुराना डाटा हमेशा चेंज होता है। तो खनिज उत्पादन और इसका भंडारण, दोनों में अंतर है। हम लोग उत्पादन को ही भंडारण समझ जाते हैं। उत्पादन का मतलब अलग होता है कि कितना एक साल में उत्पादन किया, और भंडारण मतलब कितना जमा है। दोनों में अंतर ध्यान रखिए। उत्पादन मतलब क्या होता है? उत्पादन मतलब उपजाना, मतलब एक साल में कितना उत्पादन हुआ। लेकिन भंडारण का मतलब होता है कि वो अभी तक कितना ज्यादा भंडार मौजूद है। तो दोनों में अंतर है। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ा बताइए, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, और ये भंडारण में भी उड़ीसा। अब इसको याद करने के लिए भी याद करेंगे बक्सा। बक्सा क्या? बॉक्साइट से बक्सा, बक्सा खोलेंगे तो उड़ीस तब जाता है, बहुत ज्यादा पुराना कपड़ा हो जाता है, क्या होता है, उड़ीस लग जाता है। तो याद करेगा उड़ीस से उड़ीसा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। बॉक्साइट क्या है, कैसे याद कर सकते हैं? बॉक्साइट है, और बॉक्साइट में अगर आप क्या कर सकते हैं, उड़ीस लग गया, बहुत ही पुराना हो गया तो क्या लग गया, उड़ीस लग गया। तो इस तरह से आप बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन होगा? उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। इसके अलावा जो है दूसरा क्या है, कोयला। कोयला देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य फट से बोल देते हैं झारखंड। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वर्तमान में छत्तीसगढ़ है, लेकिन भंडारण में झारखंड है। आप यहां जाके क्वेश्चन को मिस कर देते हैं। तो प्लीज आपको ध्यान रखना होगा, ये अप टू डेट डाटा है कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। कैसे याद करना है? तो कोयला का 36 को उपयोग है। देखो क्या करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं, घर में जलाने के इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं, बैटरी बनाने का होता है। तो 36 को बहुत सारा उपयोग होना, ऐसे याद कर सकते हैं। कोयला का कितना उपयोग है? 36 को, 36 उपयोग है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पता हो गया छत्तीसगढ़। लेकिन भंडारण तो पहले ही से ही आपको पता है कि सबसे बड़ा भंडारण कौन सा है? झारखंड है। इसके अलावा यहाँ तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन से? तांबा। तांबा देखिए, तांबा में मध्य प्रदेश, कैसे याद करना है? मध्य प्रदेश। और राजस्थान क्या है? भंडारण में। देखिए तांबा में चांद बिंदु है ना, मध्य में है ना, इसके बीच में चांद बिंदु है, तो मौ से मध्य इस तरह से क्या बीच में है, तो इस तरह से याद करना है, मध्य में। तो मध्य मतलब क्या होगा? मध्य प्रदेश। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और भंडारण में कौन है? तो क्या बताओगे? राजस्थान। अब देखो कच्चा तेल, आप लोग फटाक से बता दोगे कच्चा तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है, लेकिन कच्चा तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। तेल कौन खाएगा? राजा लोग ने खाएगा। कच्चा तेल कौन आ रहा है? पेट्रोल डीजल पे निकलता है। तो इस तरह से राजा तेल कौन किसके पास? राजा के पास। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान। भंडारण में कौन है? तो पता चल गया असम। अब हीरा, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश। अब देखो हीरा कैसे याद करना, हीरा मध्य वाला उंगली में, उंगली के बीच में पहनते हैं इस तरह से, यहाँ तो उंगली अंगूठी जो पहनते हैं, तो बीच में इस तरह से याद करना, बीच में मध्य प्रदेश। तांबा मध्य प्रदेश, हीरा काम करेंगे तो इस तरह से उंगली से याद करेंगे मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आज का भंडारण में भी कौन स्थान है? मध्य प्रदेश का स्थान है। अब देखो म से मैंगनीज, म से मानव। मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य म से मैंगनीज, म से मध्य प्रदेश। इसके बाद जो है इसका भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ है? तो क्या बताओ कि उड़ीसा में इसका सबसे बड़ा भंडारण है। देखो लोहा, अब यहाँ से याद करेगा लोहा, आपके घर में पुराना लोहा रखा हुआ है, उसमें जंग लग जाता है, तो कहोगे जंग नहीं, उड़ीस लग गया, सबसे बड़ा उत्पादक रहा उड़ीसा। चलो नाटक कर रहा है, जंग लगा दिया, बर्बाद कर दिया, तो क्या होगा? नाटक। कहाँ रखा है लोहा? तुमको लोहा दिया, मम्मी लोहा दी, कुछ लोहे का सामान दिया, आप क्या करते, किसी जगह रख दिए, रख दिए तो क्या हो गया, उसमें जंग लग गया, तो जंग क्या लगेगा, जंग से क्या चुका, उड़ीस, कीड़ा मकोड़ा लगाना, तो उड़ीसा। और यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी बोल रही है दो लोहा ला के दो, जो तुमको दिया रखने के लिए, तो तुम नाटक कर रहा है, क्या रहेगा? भंडारण में कर्नाटक। तो फटाफट इसको हम रिविजन कर लेते हैं, इतना ही। आज हम आपको 7 दिए हैं, कल आपको जो बचा है 7 और देंगे। इससे क्या होगा, 14 खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान और भंडारण पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। तो हम फटाफट डिवीजन करते हैं, रुकिए फटाफट हम डिवीजन करते हैं। बॉक्साइट, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, बॉक्साइट में क्या, बॉक्सा में क्या, उड़ीसा है ना।
भंडारण में उड़ीसा, कोयला होता है तो कोयला का 36 को उपयोग है, तो छत्तीसगढ़ और भंडारण में बताइए। झारखंड है तांबा, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक तो से तांबा चांद बिंदु मध्य में है, तो क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, है ना, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। लेकिन भंडारण की बात करें तो क्या हो जाएगा सर, राजस्थान, कौन सा हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद देखिए कच्चा तेल कौन करेगा, राजा लोग ना, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान, तेल कौन इस्तेमाल करेगा राजा, क्या हो जाएगा राजस्थान। और इसका भंडारण भी कौन सा स्थान है असर डिगोई, हीरा, हीरा के नोटी पानेंगे सोचेंगे मध्य में पानेंगे तो मध्य प्रदेश, और भंडारण में भी मध्य प्रदेश। मैग्नीज, मैग्नीज मतलब मौसे, मैग्नीज मौसे मध्य प्रदेश उड़ीसा में। और लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, लोहा में क्या लग गया उड़ीस हो गया लग गया, और मम्मी से झूठ बोल रहे नाटक कर रहे हैं तो क्या जाएगा कर्नाटक। इस तरह से आपका उत्पादन और भंडारण ये टॉपिक था, आगे आपको आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगता है, इसको ट्रिक बनाने में आपको समझाने में, हम यहाँ ट्रिक नहीं, हम आपको उसी डाटा से समझाने का प्रयास करते हैं। कोई चीज ऐसा नहीं है कि कोई कविता या कहानी के फॉर्म में बताते हैं जिसको याद रखना आपके लिए कठिन है, यहाँ आपके इसी डाटा से इस डाटा को तैयार करते हैं, तो बहुत ही मेहनत लगता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, कल फिर इसी तरह से जो है खनिज उत्पादन भंडारण के बारे में। थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।